आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि यूपीएससी रिलेटेड है। यूपीएससी से रिलेटेड मैं सारे टॉपिक आपको बता ही दे रहा हूं, जो जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है ताकि आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यूपीएससी रिलेटेड, तो आज हम बात करेंगे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट की। क्या अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ये आपको हेल्प करेगा, जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वो आपको हेल्प करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे मुंबई में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो, ह्यूमैनिटीज़ के जो कोर्सेज हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आपको पता है बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, वो तेज़ी से ऊपर गया है। जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, अच्छा कुछ लोगों को ये लगता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग यूपीएससी निकालते हैं, हाईएस्ट है दोस्तों 2015 में 102 इंजीनियर्स ने निकाला था। इंजीनियर्स का आंकड़ा नो डाउट ऊपर गया है आईएएस निकालने का, लेकिन ये कभी 100 से ऊपर एक ही बार गया है, लेकिन इससे 100 से नीचे ही रहता है। और सीटें कितनी है? 1000। तो 900 ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, 1900, तो लगभग 900 या 800 जो सीटें हैं वो नॉन इंजीनियर्स ही निकालते हैं। ठीक है, तो अभी अगर जैसे श्रुति शर्मा देखे तो वो हिस्ट्री उनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, टीना डाबी का पॉलिटिकल साइंस, गुंजन द्विवेदी का, जाने मैंने खुद उनका इंटरव्यू लिया था तो उनका भी पीएसआईआर था, मतलब पॉलिटिकल साइंस था। यहां पे बड़ी बात यह है कि क्या ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट हो हम उसमें उसी को ही क्यों ऑप्शनल ले लें। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो है साइंस सब्जेक्ट, दूसरा है ह्यूमैनिटीज। इन दोनों पे हम आएंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारा जो यूपीएससी का कोर्स है, हमने देखिए इसमें एक और चीज है कि अगर जैसे इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स एग्जाम निकालते हैं तो भाई उनका साइंस रहता है लेकिन स्टिल वो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से निकालते हैं, आप निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि जब आप ऑप्शनल की तैयारी करें तो आप ऑप्शनल के लिए कोर्स ले लें। ठीक है, तो हमने ऑप्शनल के लिए कोर्स निकाला है पीएसआईआर और हिस्ट्री, ये दो शानदार हमने कोर्स निकाले। हिस्ट्री तो सोहेल सर पढ़ा रहे हैं, भाई इन्होंने तो धमाल मचा दिया है। सोहेल सर की अगर बात करें तो धमाका कर दिया इन्होंने, क्योंकि इतने बच्चे खुश हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे पहले सोहेल सर ये कोर्स भेजते थे बहुत ही महंगा बिकता था, हमने उसको बहुत कम किया, मैं अफोर्डेबल, हमसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी और इतना सस्ते में मैं आपको लिखित देता हूं, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास हो रही है दोस्तों, मेरी पर्सनल गाइडेंस है, तो यूपीएससी कोर्स तो ले ही ले। साथ ही साथ अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो पीएसआईआर और हिस्ट्री का ऑप्शनल आप जरूर लें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ह्यूमैनिटीज और साइंस। देखिए साइंस में अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ, जैसे आपका आपने बीएससी किया है या आपने इंजीनियरिंग की है, तो आप तब तक ना ले, मतलब इसमें ऑप्शनल में आपकी मदद होगी डेफिनेटली। देखिए साइंस ऑन अ बेसिक जो भी आप पढ़ रहे हो यूपीएससी में वो पूछा ही जाता है, यूपीएससी में सब पूछा जाता है, तो आप साइंस एंड टेक में आपको बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। लेकिन ये ज्यादातर करंट बेस्ड आता है, लेकिन फिर भी आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ऑप्शनल की अगर आप बात करें तो ऑप्शनल में देखिए साइंस आप तभी लें जब आपका बहुत ही अच्छे से हाथ उसमें हो, आप एक्सपर्ट हो, क्योंकि उसके सवाल बड़े टफ आते हैं, तो इसके लिए आप पेपर्स देख लें। ह्यूमैनिटीज बचता है, जैसा कि मैंने बताया बहुत लोगों के पास साइंस होने के बावजूद उन्होंने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लिया था, उन्होंने ऑप्शनल सोशियोलॉजी हिस्ट्री लिया था ताकि वो आसानी से एग्जाम निकाल लें। हाँ ह्यूमैनिटीज में बहुत बढ़िया, जैसा कि मैंने बताया हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इन सब में ग्रेजुएशन के एडमिशन बढ़ रहे हैं, क्योंकि माइंड में यही रहता है कि शुरुआत से शुरू करेंगे तो हमको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। और बिल्कुल सही है, अगर आपके सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो अच्छे से तो आपको आईएएस में वो मदद करेगा, आपका ऑप्शनल तैयार हो जाएगा। आपको पता है 70-80% आपको ऑप्शनल होगा, अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हिस्ट्री से आपने जेएनयू से आप हिस्ट्री से बीए कर रहे हो, ठीक है, अब जेएनयू में भाई सेमेस्टर होते हैं, ठीक है, तो आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, उसमें रिटन आंसर होता है, रिटन क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। मतलब भाई हम लोग आंसर राइटिंग से इतना डरते हैं, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम पहली क्लास से लेकर अभी तक आंसर राइटिंग ही करते आ रहे हैं। एग्जाम में आप आंसर ही लिखते हो, बिल्कुल सही बात है, यूपीएससी का और यहां का अलग होता है, बट सवाल तो वैसे ही पूछे जाएंगे ना। तो जेएनयू क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर अगर हिस्ट्री का एग्जाम हो रहा है तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, दूसरा एग्जाम हो रहा है, यानी कि आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ चल रही है, तो आपको डबल फायदा है। तो डेफिनेटली अगर आप ग्रेजुएशन करते हो किसी सब्जेक्ट से, वो आपकी पढ़ाई में बहुत फायदा करता है। अब आपका हिस्ट्री पूरा तैयार हो जाएगा, प्री में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपका स्टैटिक सब्जेक्ट एक पूरा का पूरा तैयार, और हिस्ट्री तो वो बहुत वाइड है, उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री सब आती है, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में, ऐसे इकोनॉमिक्स में, तो ये बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शनल जब भी आप चूज करते हैं ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या था, क्योंकि आपकी आधी से ज्यादा मेहनत वही खत्म हो जाती है।
क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको पढ़ा है, आपको खाली रिवाइज करना है। कहीं कहीं तो ऐसा कि ऑप्शनल की नीड नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप साइंस से हैं, देखिए ऑप्शनल क्या है ना कि मैं इसलिए बोलता हूं कि ऑप्शनल का आप कोर्स ले लिया, नोट्स ले लिया, नोट्स मिल जाए, खुद से भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन फिर बहुत सारी किताबें लगेंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पैसा लगा के, या अगर आप किसी के पास नोट्स हो तो वो लेके आप ऑप्शनल का उसमें ना बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑप्शनल ऐसे ही पढ़ते हैं, उन्होंने ऑप्शनल कोर्स खरीद लिया, 4-5 महीने में उनका ऑप्शनल तैयार हो गया, ऐसे आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम ऑप्शनल कराते हैं, अब जैसे हमने 250 क्लासेस ऑप्शनल की दी है हिस्ट्री में, 200 से ऊपर PSIR में, उसमें लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस आंसर राइटिंग, मतलब उसमें खैर आंसर राइटिंग ही होती है, और प्री के भी सवाल, मतलब बहुत अच्छे से आपको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और बहुत ही इंटरटेनिंग तरीके से भी, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप बोर हो जाएंगे। तो ये चीजें ना बहुत काम आती है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट है जो ह्यूमैनिटीज अगर आपका सब्जेक्ट है, या जिस जो आपको ऑप्शनल आप लेने जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बस इसमें आपको ध्यान नहीं रखना कि जो साइंस के सब्जेक्ट हैं वो आपको थोड़े से सोच समझ के चुनने हैं, क्योंकि अगर आप साइंस के सब्जेक्ट चुनने जा रहे हो तो एक बार पेपर देख लेना वो सवाल मुझसे सॉल्व हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा और ये चीजें आपको, मतलब आप ये क्लैरिटी होगी, ठीक है, कि हाँ ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हैं वो सही। तो अगर आप यूपीएससी के, आप अगर 12th आपने पास किया है, या इनफैक्ट चलिए मान लीजिए कि अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट लो। मैं तो बोलता हूं कि भाई साथ ही साथ अगर आप IAS की तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो आप इग्नू से फॉर्म डाल दो, जो भी आपको ऑप्शनल है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन अगर आप उस सब्जेक्ट से कर रहे हो, मतलब जो यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट यूजी और पीजी में वो ले रहे हो जो मदद करेगा, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलो। दोबारा मैंने, जैसे एनसीईआरटी है, हम 6-12 तक पहले तो पढ़ ही नहीं, अब पढ़नी पड़ती है हमको, तो पहले ही ध्यान से पढ़ लेते। तो वही है कि सब्जेक्ट पहले ही ध्यान से पढ़ लो ताकि आपका काम बहुत आसान हो जाए। और हमारे कोर्सेज तो जरूर अवेल करिएगा दोस्तों, इसमें करेंट अफेयर्स और स्टैटिक ये तो सब होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, हम लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं आपके डाउट्स, और पर्सनली मैं खुद सॉल्व करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।